हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजकुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग यानी वलय का अभिलक्षण। देखते हैं इसकी परिभाषा। लेट आर प्लस मल्टीप्लिकेशन बी ए रिंग If there exists a positive integer n such that n into a is equal to 0 for a belongs to R, then R is said to be a ring with finite characteristic. Means हमने एक रिंग मान लिया R plus multiplication, ये एक बीजीय निकाय हमारा एक रिंग है। रिंग की characteristic क्या होगी? एक ऐसा positive integer विद्यमान होगा कि n into a is equal to 0 for all a belongs to R, means R के सारे एलिमेंट्स के लिए, R के सभी एलिमेंट्स के लिए। ये जो चिन्ह है ये फॉर ऑल का है, फॉर ऑल्स मीन्स सभी एलिमेंट्स के लिए, R के सभी अवयवों के लिए n into a is equal to 0 हो जाए। यानी n की R के सारे एलिमेंट्स के साथ गुना यदि हम करेंगे डॉट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब हम उस रिंग को क्या कहेंगे? रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब हमें इस तरह का एन प्राप्त हो जाता है तो हम उस रिंग को बोलेंगे रिंग विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, या हिंदी में कहें तो आर को परिमित अभिलक्षण का वलय कहेंगे। इस प्रकार जो ये पॉजिटिव इंटीजर एन, ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है एन की। चलिए नेक्स्ट। अब हमें ये बताना है कि रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। एक जो हमने n लिया है यहाँ पे, जो n हमें इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त होगा कि n into a is equal to 0 हो जाए, तो मैंने कहा था कि इस प्रकार के n एक से ज़्यादा भी हमें मिल सकते हैं, तो उन सब में जो न्यूनतम होगा वही हमें लेना है और वही रिंग की करेक्टरिस्टिक होगी। यहाँ पढ़िए, देखिए, न्यूनतम धन पूर्णांक n जिसके लिए n इंटू ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R, यानी रिंग के सारे एलिमेंट्स a के लिए n इंटू ए इज इक्वल टू 0 हो जाए और n मेरा न्यूनतम धन पूर्णांक हो, तो n को कहेंगे रिंग R का अभिलक्षण यानी करेक्टरिस्टिक। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा न्यूनतम धन पूर्णांक n जिसके लिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो उस न्यूनतम धन पूर्णांक को क्या कहेंगे हम? अभिलक्षण कहेंगे रिंग का। ओके, यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं है तो उस रिंग का अभिलक्षण क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है Z7 एडिशन मॉडलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। मॉडलो वाले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये हमने करवा दिया है आपको। इस रिंग की अभिलक्षण करेक्टरिस्टिक क्या होगी? यहाँ पे देखिए रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या होगी। नेक्स्ट में अपन देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 7 है। 7 कैसे हैं देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि n इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Zn। मतलब Zn देखिए, z मोडुलो n बोलेंगे इसको। Zn में जो यहाँ पे n होगा, धन पूर्णांक n होगा, n के लिए इस रिंग में n इंटू एक्स की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए Z7 में n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7। तो Z7 में जो अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक अपन लेंगे, ठीक है। अब मैं देखिए 7 की 0 से गुणा करूँ, 7 0 ही आएगा। 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, और जब 7 आ गया तो 7 की वैल्यू जेड मोडलो 7 में, 7 में से 7 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। नेक्स्ट देखिए,
सेवन इंटू टू कितना हुआ 14, और 14 की जेड 7 में वैल्यू क्या देता है, 14 माइनस 7 टू सा 7 का सेकेंड मल्टीपल हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार 7 थ्री सा 21, 21 माइनस 7 का थर्ड टाइम मल्टीपल हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबकी वैल्यू 7 इंटू 6 तक सबकी वैल्यू क्या दे रहा है 0। तो देखिए एक ऐसा हमें धन पूर्णांक 7 प्राप्त हो गया जिसकी जेड 7 के सारे एलिमेंटों से मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट ऑपरेशन लगाने पर, यहाँ पे जो डॉट ऑपरेशन है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 वाला ऑपरेशन है, समझने की कोशिश करना, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 वाला ऑपरेशन है। यानी हम कर क्या रहे हैं, जिस प्रकार जैसे यहाँ पे देखिए 7 इंटू 6 है तो ये इंटू की जगह मोडुलो 7, मोडुलो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 ऑपरेशन लगाया हुआ है। सो कैसे करते हैं हम, 7 की 6 से मल्टीप्लाई की 42 आया, 42 माइनस 7 का वो मल्टीपल घटाएंगे जो 14 से कम हो और 14 के नियर बाई हो, तो वो ऐसा मल्टीपल क्या होगा हमारा 7 इंटू 6 यानी 42। तो 42 में से 42 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको जो डॉट ऑपरेशन है वो जेड 7 में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है जो हमने मैंने अभी बताया आपको ये वाला। ओके तो देखिए इस प्रकार 7 की सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन लगाने पे जो हमारा वैल्यू दे रहा है ये सारे 0 दे रहा है, तो हम कहेंगे कि 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड 7। ओके तो क्योंकि 7 क्या है, न्यूनतम धन पूर्णांक। अब देखिए अगर मैं 14 लूँ, 14 धन पूर्णांक लेती हूँ और 14 की इन सारे एलिमेंटों से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन यदि हम लगाएं तो वो भी आंसर 0 ही देगा। आप करके देख सकते हैं, जिस प्रकार हम करते हैं कि 14 इंटू 2 करेंगे, 14 दुनी 28 होता है, 28 में से हम जेड 7 में 28 की वैल्यू क्या होगी, 7 का वो मल्टीपल हम घटाएंगे जो 28 से कम हो तथा 28 के नियर बाय हो। तो ऐसा कौन सा आएगा, 7 वन जा 7, 7 टू सा 14, 7 थ्री सा 21, 7 फोर जा 28। तो देखिए 28 के नियर बाय 28 ही आ रहा है, तो 28 माइनस 28 करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके 0 आ रहा है। तो इस प्रकार देखिए 14 की मल्टीपल सबसे करने पर भी, सब सारे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाने पर आंसर क्या आ रहा है 0। इसी प्रकार 21 मैं अगर धन पूर्णांक लेती हूँ पॉजिटिव इंटीजर, तो 21 की सारे एलिमेंटों से मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी आंसर क्या देगा 0। तो इस प्रकार हमें कितने ऐसे धन पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, 7, 7, 14, 21, 7 के जितने भी मल्टीपल है अनकाउंटिंग हम जिन्हें कहेंगे, अनगिनत होंगे ऐसे, तो वो सारे क्या है एक तरह से सारे धन पूर्णांक हैं जिनकी जेड 7 के ये सारे अवयवों से गुणा करने पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ऑपरेशन लगाने पर आंसर 0 आ गया। लेकिन हमें कैरेक्टरिस्टिक के लिए, अभिलक्षण के लिए सबसे छोटा, सबसे न्यूनतम धन पूर्णांक चूज करना है जो कि हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 7। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस जो रिंग की, इस रिंग की जेड 7 एडिशन मॉडुलो 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, इसका जो अभिलक्षण होगा वो क्या होगा 7 होगा। ओके सेकंड हमारा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे ये एक रिंग है, आपको पता है जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये कैसी रिंग है, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है जिसको हम पूर्णांकों का वल्य भी कहते हैं। इस रिंग में एक भी ऐसा आपको धन पूर्णांक, यहाँ पे एक भी ऐसा धन पूर्णांक प्राप्त नहीं होगा, आपको ऐसा कोई धन पूर्णांक नहीं मिलेगा
जिसकी इसके सारे एलिमेंट्सों से गुणा करने पर, यहाँ तो सिंपली गुणा वाला, सिर्फ सिंपली गुणा वाला ऑपरेशन है, तो ऐसा धन पूर्णांक नहीं मिलेगा आपको जो इसके सारे एलिमेंटों से गुणा करने पर हमें क्या दे दे, 0 दे दे। तो इसीलिए अगर किसी में इस तरह का एन विद्यमान नहीं होता, ऐसे धन पूर्णांक विद्यमान नहीं होता, तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये फील्ड है क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन, आर प्लस मल्टीप्लिकेशन, सी प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों फील्ड हैं आपके, और रिंग तो है ही, साथ के साथ ये तीनों फील्ड भी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन तीनों में सेम टू सेम जेड की तरह कोई ऐसा हमें धन पूर्णांक नहीं मिलेगा जिनकी सारे एलिमेंट्स से गुणा करने पर आंसर 0 आए। तो हम कहेंगे कि इन तीनों का भी अभिलक्षण यानी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग पढ़ा था, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटेग्रल डोमेन एंड फील्ड, यानी पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र का अभिलक्षण। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। किसी पूर्णांकीय प्रांत अथवा क्षेत्र डी का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन है जिसके लिए एन इंटू ई इज इक्वल टू 0 हो जाए, जहाँ ई क्या है, गुणात्मक तत्समक। यानी पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र में आपको पता है कि पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है, ए रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट 0 डिवाइजर, यानी एक ऐसी वलय जिसमें गुणात्मक तत्समक विद्यमान हो तथा साथ ही साथ उसमें शून्य के भाजक नहीं हो, वो था हमारा इंटेग्रल डोमेन। एंड इसी प्रकार फील्ड हमने देखा था, ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट 0 डिवाइजर इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज एन इनवर्स, मतलब कि एक ऐसा क्रम विनिमेय वलय जिसमें तत्समक गुणात्मक तत्समक विद्यमान हो तथा शून्य के भाजक भी ना हो तथा सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स, नॉन जीरो अवयवों का क्या हो, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, तो वो फील्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में यूनिटी, यूनिटी यानी कि मैं उसे गुणात्मक तत्समक कहूँ या फिर मैं उसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहूँ, एक ही बात है। तो वो यूनिटी दोनों में विद्यमान है, इंटेग्रल डोमेन में भी एंड फील्ड में भी। तो इन दोनों का अब अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एक ऐसा धन न्यूनतम, देखिए ध्यान रखें, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन होगा जिसके लिए एन इंटू ई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फॉर ऑल का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको इनमें देखना है कि इसकी तत्समक क्या है, गुणात्मक तत्समक क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है। तो एन की उस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के साथ गुणा करेंगे तो वो मेरा क्या दे देगा, 0 दे देगा। चलिए, यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो तो डी का अभिलक्षण यानी करेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। एग्जाम्पल 1 है पूर्णांकीय प्रांत Z5 एडिशन मोडुलो 5 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 5 का अभिलक्षण कितना होगा, 5 होगा। हमने Z7 में पढ़ा था जैसे, तो Z7 में अभिलक्षण 7 था, इसी प्रकार Z5 में अभिलक्षण क्या होगा, 5 होगा। और इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, गुणात्मक तत्समक, यहाँ पे 1, 1 की मैं सारे इसके सारे एलिमेंट से गुणा करती हूँ तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। ओके, नाउ आप 5 की गुणा करेंगे 1 से, तो 5 बन जा 5 देगा, और 5 की Z5 में वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 5 यानी 0 आएगी। ओके, तो
तो देखिए 5 × 1 करने से 0 प्राप्त हो रहा है, तो 5 क्या है, Z5 का करैक्टरिस्टिक है, यानी कि अभिलक्षण है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्षेत्र की बात करते हैं हम, ये क्षेत्र क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, इसका अभिलक्षण क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा आपको एन यहाँ पे विद्यमान नहीं है जिसकी इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी वन से मैं गुणा करूँ, क्यू का रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो, इसका गुणात्मक तत्समक क्या होगा यहाँ पे, वन होगा, क्योंकि वन की मैं इससे सारे एलिमेंटों से अगर गुणा करूँ तो हमें वही एलिमेंट प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे आपकी जो गुणात्मक तत्समक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो वन है। तो हमें अभिलक्षण को किस तरह से देखना है यहाँ पे, कि एक ऐसा हमें एन मिलना चाहिए जिसकी वन से गुणा करने पर जीरो मिल जाए, लेकिन हमें तो एक कोई भी ऐसा एन प्राप्त नहीं हो रहा है यहाँ पे जिसकी मैं वन से गुणा करूँ तो मुझे जीरो प्राप्त हो जाए। ध्यान रहे एन क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और जीरो धनात्मक पूर्णांक नहीं होता, जीरो को हम नॉन नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक वन से शुरू होते हैं। ओके तो एन इंटू वन इज इक्वल टू जीरो हो जाए, ऐसा एन नहीं विद्यमान होता क्यू के अंदर, तो इसलिए क्यू का अभिलक्षण क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसी की थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल करेंगे, तब तक के लिए बाय।